जैसा कि मैं आप सभी लोगों को बता दूं, हमने पिछली बार बनाया था एक अच्छा सा घर और वही ये घर है गाइस, देख सकते हो आप। ओके गाइस, यहाँ पे हमने बहुत सारी चीजें मतलब रखी थी। ये आयरन पकने के लिए रख दिया था, आपको मालूम है हमारा मतलब लास्ट टाइम था। ओके गाइस, यहाँ पर रिस्पॉन पॉइंट सेट कर देते हैं और सबसे पहले हम जाते हैं सेटिंग में और थोड़ा मतलब वॉइस ना कम कर देते। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने पीसी में वीडियो क्यों नहीं बना रहा, तो गाइस पीसी में ना मेरी माइनक्राफ्ट रन नहीं कर रही। कोई आपके पास कोई आइडिया वाइडिया हो या फिर कोई लिंक विंक मतलब हो, सारी चीज़ें मैंने ट्राई तो कर ली पर आपके पास कोई फिर भी कुछ हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दो। ओके गाइस, आप कमेंट करके ज़रूर बता दो और आप बताना कि मैं गेटिंग ओवर इट या ये सब कुछ खेलूं या नहीं खेलूं। गेटिंग ओवर इट भी मैं डाउनलोड कर दूंगा गाइस, अगर वो वर्क करी तो मैं खेलूंगा। ओके गाइस, मेरा पीसी ना बहुत पुराना है, 4 साल पुराना पीसी है, न्यू नहीं लिया मैंने क्योंकि अभी तो लॉकडाउन की हालत चल रही है गाइस। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है, यहाँ पे मतलब हमारे यहाँ तो लॉकडाउन चल रहा है, आपके यहाँ चल रहा है नहीं मालूम, तो गाइस हमारे यहाँ तो लॉकडाउन चल रहा है इसलिए ना मैं मतलब न्यू चीज़ें ये सब मतलब नहीं लेना चाह रहा और ये सब मतलब मैं लगा दूंगा अंदर, क्यों रख रहा हूँ। ओके गाइस, आज तो हम मतलब फार्म बना देंगे और ये थोड़ा बहुत कुछ करेंगे, ऐसा नहीं खाली बैठे रहेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे। ओके गाइस, यहाँ पे लेदर लगा दे इसमें रख देते हैं, यहाँ पे रॉ पॉक चॉप है हमारे पास, ये मतलब काम आएगा सब कुछ। ओके गाइस, यहाँ पे मैं रख देता हूँ इसको। ओके एंड देन मुझे चाहिए होगा ये। ओके और ये मेरे पास आयरन पिकेक्स भी है तो इसको भी यहाँ पे रख देते हैं और आयरन को भी रख देते हैं यहाँ पे। ओके गाइस, तो अभी हम फार्म बनाने जाएंगे। अरे हाँ गाइस, मेरे को वो भी बनानी पड़ेगी और उससे पहले मेरे को ना ये हाथ से तोड़ना पड़ेगा मेरे को लगता है। ओके गाइस, तो पहले मैं हाथ से तोड़ के देखता हूँ। गाइस ये तोड़ूंगा ना तो पक्का सीड मिलेगा। अरे गाइस ये क्या हो रहा है यार, सीड क्यों नहीं मिल रहा। ओके गाइस, मैं सबसे पहले ना हो बना के लाता हूँ। अरे हाँ यार, हो से मिलती है, मैं पागल हूँ यार, मुझे मारो कोई भाई, मारो मुझे मारो। मैंने सब कुछ यहाँ पे खत्म कर दिया ताकि वहां से मतलब उससे अच्छा तो मैं हो से कर देता यार। पहले मैंने सोचा कि हाँ भाई हो से, और मैंने सीड और इस ग्रास में अंतर ही नहीं देखा, मैंने कुछ देखा ही नहीं। हाँ भाई चलो ग्रास ही मतलब सीड ही होगा, मेरे मन में तो ये था। ओके गाइस, अभी मेरे पास आई थिंक क्या मालूम कितने सीड होंगे, देख लेता हूँ यार। गदर वाला पोपट हो गया है। ओके गाइस, यहाँ से इसको तोड़ता हूँ। इस ये भी ना बहुत मतलब चालू इंसान है। देखो देखो दे ही नहीं रहा। इसको यहाँ ऊपर से तोड़ने से मिलता है ना। ऊपर से तोड़ो ऊपर से तोड़ने से नहीं मिल रहा कोई बात तो। गाइस ये क्या हो रहा है यार। गाइस घर पे पापा बैठे हैं फिर भी मैं जोर जोर से बोल रहा हूँ। गाइस मैंने कभी सोचा नहीं था कि पापा भी मुझे ऐसे सपोर्ट करेंगे यार। ओके गाइस, यहाँ से थोड़ा बहुत तो सीड इकट्ठा कर लेता हूँ मैं, जितना भी मिले उतना यार सही है, साथ ही मिला है यार, क्या करूं 7 सीड का। ओके गाइस, ये 9 सीड जो मिले हैं ना इनको मैं जाके लगाता हूँ पहले तो ये उगते हो और मैं दूसरे लेने जाऊं ना तो डबल हो जाए। ओके गाइस, ये सब 10 जो सीड है ये 10 सीड मैं पहले लगा देता हूँ बिकॉज गाइस जब तक ये मतलब नहीं उगेंगे तब तक कोई काम का नहीं है। ओके
मैं मतलब सीधा भाई, मैं सोचा डायरेक्ट सीड, वो ग्रास लगा रहा था, मैं सोचा भाई डायरेक्ट सीड इतने बड़े कैसे होने लग गए। मैंने सोचा मैंने या फिर मैंने रिसोर्स पैक लगाया उसका कुछ है, बाद में पता चला ओ भाई ये तो ग्रास है यार। ओके गाइस यहाँ से मैं उठा लेता हूँ थोड़े बहुत, अगर मैं ग्रास को यहाँ पे लगाऊं तो थोड़े दिन में वो उग जाएंगे और वो भी मुझे सीड देंगे आई थिंक। ओके गाइस यहाँ पे बहुत सारे ग्रास है, मतलब भाई भर भर के ग्रास पड़े हैं मेरे पास, वो बहुत सारे ग्रास पड़े हैं यार भाई, क्या करूं इन ग्रास का, तभी तो मैं लगा रहा हूँ यहाँ पे, मतलब लगा देता हूँ कोई बात नहीं। ओके पानी के बाजू में लगा के देखता हूँ पहले तो मैं यार, मेरे वाटर सोर्स के बाजू में, वहां पे यहाँ पे लगाऊं आई थिंक जल्दी से उग जाए, क्या मालूम हमें भाई, इतना भी प्रो नहीं हूँ यार माइनक्राफ्ट सर्वाइवल सीरीज भाई। दो बार चालू कर दी ना मैंने माइनक्राफ्ट सर्वाइवल सीरीज, पहली बार तो पोपट ही पोपट हुए जा रहे थे, जितनी बार मतलब घर घर बनाया वो सब किया, फ्लैग फ्लैग भी बनाया था ना हमने इंडिया का, तो वो सब किया हमने, और बस वहां से बाद में पापा ने कर दी डिलीट। पापा को आता था गुस्सा कि भाई मैं गेम्स क्यों खेल रहा हूँ, और पापा को नहीं पता था कि मैं यूट्यूब पे वीडियोस बनाता हूँ, और यहाँ पे जब से लॉकडाउन लगा है मैं बिना छुपे मतलब वीडियो नहीं बना पाता था, तो एक रूम में जाके बैठ जाता और वीडियो बनाता, तो पापा समझे। ओके गाइस पापा ने मतलब सुन लिया और पापा को पता चल गया कि मैं वीडियोस बनाता हूँ, तो पापा मतलब बोलने लगे कि भाई ये सब क्या करता है, ये सब क्या करता है। तो गाइस देखो ना, पेरेंट्स को समझाना ना मतलब इतना भी हार्ड नहीं होता जितना हमारे दिमाग में मतलब डर बैठ चुका होता है कि भाई पेरेंट्स क्या बोलेंगे, क्या करेंगे, मतलब क्या कहेंगे हमें, तो इतना भी मतलब नहीं होता। मैंने उनको मतलब मेरे पापा को उज्जवल मतलब या अपने भैया टेक्नो गेमर्स उनका मतलब उनकी जो जर्नी थी वो दिखाई, मिकपैर की जर्नी थी वो दिखाई, लाइव इंसान की जर्नी थी वो दिखाई, इन सब की जर्नी दिखाने के बाद पापा को पता चला कि भाई हाँ ये यूट्यूब है ना कुछ मतलब अर्निंग तो है, और मतलब स्पेशली मैं अर्निंग के लिए नहीं कर रहा हूँ गाइज, ये ना मैं आप लोगों के प्यार के लिए कर रहा हूँ कि गाइज मैं देखो पैसा तो जिंदगी में कमा ही लेंगे ऐसे नहीं तो वैसे, पर गाइज जब मतलब लोगों का दिल जीतना ना बहुत बड़ी बात है, जो टेक्नो गेमर लाइव इंसान ये सब ना लोगों के दिल पे राज करके बैठे हैं ना, वो चीज करना बहुत बड़ी बात है, पैसों के लिए नहीं कर रहा गाइज। मैं बोलूं मेरे मोनेटाइजेशन ऑन ना हो ना तो भी चलेगा, पर मैं आपका सपोर्ट मतलब आपका प्यार पाना चाहता हूँ, वो चीज मेन तो वो ही चीज है, मतलब पैसे तो आज नहीं तो कल वैसे ना कहीं से भी कैसे भी कमाने ही है ना, पैसे तो आ जाएंगे पर प्यार नहीं आएगा कभी, ये दिमाग में याद रखना गाइस। और अपने अगर आप ये गेमिंग इंडस्ट्री में कुछ भी करना चाहते हो, अपने पापा मम्मी इन सबको ना इन लोगों की जर्नी दिखाओ, ये सब गेमर्स की जर्नी दिखाओ, तो वो मतलब मान जाएंगे कि भाई इतने भी बुरे नहीं होते पेरेंट्स गाइस, पेरेंट्स को हम जितना समझते हो उतने नहीं होते, मतलब पेरेंट्स बुरे ही नहीं होते, पेरेंट्स तो बहुत अच्छे होते हैं यार, वो हमें जन्म देते हैं, हमें एक जीवन देते हैं वो, और हमारी खुशी के लिए कुछ भी करते हैं, अगर हमें या इस चीज में सक्सेस ना मिले, हाँ पर गाइस देखो अगर हमें इस चीज में सक्सेस ना मिले ना तो हमारे साइड में कोई हमारे लिए मतलब कोई चीज करने के लिए होनी चाहिए, जैसे कि गाइस मेरा मतलब मैं भी पढ़ाई, अगर आप बच्चे हो मतलब ऐसे मतलब 11वीं 12वीं में नहीं 8th 9th में हो अगर आप, तो गाइस पढ़ाई में भी ध्यान दिया करो, मैं ये नहीं बोल रहा कि इसमें ही सिर्फ, पर गाइस मतलब इसमें है, अगर यहाँ पे सक्सेस ना मिले तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन होना चाहिए ना, वो चीज मतलब बेस्ट है। ओके गाइस तो बस ये सब तो मतलब ये मैंने मुझे लग रहा है मैंने कुछ ज्यादा ही पकाऊ भाषण दे दिया आपको पर गाइस क्या करूँ यार आदत है, मैं हर किसी को पकाऊ भाषण देता हूँ, मैं घर में ना मेरे घर में मतलब मेरी बहन मेरे मतलब दोनों बहन है, एक भाई है,
वो सब ना मेरे से तंग आ चुके हैं। मैं मतलब कोई भी चीज वो गलत कर देते हैं ना तो मैं पकाऊ भाषण देने लगता हूँ। तो वो मतलब अब तो पक जाते हैं मतलब। ओके तो गाइस यहाँ पे एक लेयर तो कंप्लीट हो चुकी है और यहाँ पे इन सब के ग्रो करने का मतलब मैं वेट करता हूँ। ओके गाइस यहाँ पे ये मतलब थोड़ा बहुत तो ग्रो हो चुका है। मैं इसको तोड़ के देखता हूँ यार कैसे तोड़ू। ओके इससे ही तोड़ देता हूँ। अरे यार शिट मैंने गड़बड़ कर दी यार। ओ ब्रो तो ओके गाइस आज के इस फिलहाल की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करके जाना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।